हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट बुक का चैप्टर 2 द एड्रेस का पार्ट 2 रीड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 रीड नहीं करा है तो पहले आप उसको कंप्लीट कीजिएगा और पार्ट 1 की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है जो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में रीड की थी कि एज आई वॉक स्लोली बैक to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. कि जब मैं धीरे-धीरे स्टेशन की तरफ जाने लगी, तो मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा, जिन्होंने सालों पहले मुझे ये एड्रेस दिया था, मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस दिया था, कि यहाँ से तुमको अपने सारे सामान वापस मिल जाएंगे। It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. So it had been in the first half of the war means जो आजादी की लड़ाई हॉलैंड में चल रही थी उसका फर्स्ट हाफ था और I was home for a few days मैं कुछ टाइम के लिए अपने घर आई हुई थी and it struck me immediately कि जब मैं अपने घर आई स्टक मींस किसी चीज से एकदम से आहत होना तो एकदम से मुझे लग गया कि समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज कि कमरों में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए हैं कुछ बदला हुआ सा उसे घर लगने लगा आई मिस्ड वेरियस थिंग्स कि बहुत सारी चीजें गायब थी तो जैसे ही वो घर में आई तो उसे लगा कि घर में कुछ बदलाव है काफी सारी चीजें गायब हो गई हैं My mother was surprised. I should have noticed so quickly. तो मेरी जो मदर थी वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई ये देखकर कि मैंने I should have noticed so quickly कि मुझे इतनी जल्दी मैंने इस बात को नोटिस कर लिया कि कुछ चीजें गायब है Then she told me about Mrs. Darling. तब उन्होंने मुझे Mrs. Darling के बारे में बताया I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. कि मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना था कि वो उनकी कोई old friend, old contact रहा होगा उनका उनसे, whom she hadn't seen for years, जिनसे वो सालों से नहीं मिली होंगी. She had suddenly turned up and renewed their contact. तो वो काफी सालों से उनसे नहीं मिली होंगी और suddenly जब वो मिली तो उनका फिर से उनसे कांटेक्ट हो गया होगा मींस मुझे लगा कि वो उनकी कोई पुरानी फ्रेंड होंगी तो जब हम किसी अपनी पुरानी फ्रेंड से काफी सालों बाद नहीं मिलते और उसके बाद अचानक वो हमें मिल जाती है तो फिर से हमारा उससे कांटेक्ट हो जाता है उसी तरह से मेरी मदर की भी वो कोई पुरानी फ्रेंड रही होंगी या रिलेटिव रही होंगी सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली एवरी टाइम सी लीव्स हियर she takes something home with her, said my mother. उसके बाद उसकी मदर ने राइटर की मदर ने आगे कहा कि since then she had come regularly कि जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो लगातार आने लगी every time she leaves here जब भी वो यहाँ से जाती थी she takes something home कि वो अपने घर कुछ ना कुछ ले जाती थी with her अपने साथ said my mother कि मेरी मदर ने कहा कि जब भी डॉर्लिंग यहाँ से मिसेस डॉर्लिंग यहाँ से जाती थी अपने घर के लिए तो कुछ ना कुछ ले जाती थी अपने साथ She took all the table silver in one go. कि जब वो एक बार गई तब वो अपने साथ टेबल का सारा सिल्वर स्टफ जो स्पून्स वगैरह रखे रहते हैं टेबल्स पर डिनर टेबल पर तो वो सारा स्टफ वो लेके चली गई एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हग देयर और जो भी वहां पर काफी सारी एंटीक प्लेट्स थी उनको भी वो ले गई She had trouble lugging those large vases. तो जो बड़े बड़े पॉट्स होते हैं उनको ले जाने में उनको काफी तकलीफ हुई होगी She had trouble. And I am worried. She got a crick in her back from the crockery. तो उसके बाद उसकी मदर आगे कहती है कि I am worried कि मुझे बहुत ही चिंता हुई
सी गॉट ए क्रेक कि उनको एक मोच लग गई उनके बैक में फ्रॉम द क्रॉकरी से, जब वो क्रॉकरी का बैग ले जा रही थी तो उनकी पीठ में मोच लग गई थी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, तो एक पिटिंगली मीन्स सिंपैथी दिखाना किसी के प्रति। तो मेरी मदर इतना सिर्फ सिंपैथी से हिलाते हुए बोलती हैं कि मुझे तो बहुत चिंता हुई कि जब उनको वो क्रॉकरी के बैग से पीठ में मोच आ गई थी। आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क हर, कि मुझे तो कभी भी इतनी हिम्मत, डेयर मीन्स हिम्मत होना, कि इतनी हिम्मत ही नहीं होती उनसे ये पूछने की। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, कि मतलब उनकी मदर आगे बोलती हैं कि मुझ में तो कभी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं उनसे खुद से हेल्प मांग पाती। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उन्होंने खुद ही मुझे ये सलाह दी थी। सी इवन इंसिस्ट, इंसिस्ट मीन्स किसी को फोर्स करना, किसी चीज के लिए दबाव डालना, तो उन्होंने तो मुझे इसके लिए फोर्स किया था। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सभी अच्छी चीजें, अच्छे मतलब कॉस्टली जो सामान थे उनके घर में, उनको सेव करना चाहती थी। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज कि वो कहती थी कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा इस युद्ध की वजह से तो हम सारा सामान जो है अपना खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट सी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क कि क्या आप इस बात पे राजी हो गई कि वो सारा सब कुछ अपने पास रख लें और सही से रखेंगी, मैंने अपनी मदर से पूछा। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो मेरी मदर को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा क्या ये पूछना जरूरी था, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कि ये तो उनकी बिल्कुल ही बेइज्जती हो जाती। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज रनिंग ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ अवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, और इस रिस्क के बारे में सोचो कि जो वो लगातार हमारे घर आती थी और हर टाइम एक भारी बैग अपने साथ लेकर जाती थी, तो एक वो रिस्क ले रही थी इस बात का, और मैं उनसे इस तरह से बात करती तो ये उनकी बेइज्जती हो जाती। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मीन्स किसी बात से सहमत होना, तो मेरी मदर को लग गया था, सीम टू नोटिस उनको ये लग गया था कि मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत, एंटायरली मीन्स पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, कि उनकी बात सुन रही हूँ पर उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ कि उन्होंने सही करा। सी लुक एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, तो रिप्रूविंगली मीन्स कि जब मेरी मदर को लगा कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ तो एकदम से थोड़ा सा गुस्से में देखना कि वो जो उन्होंने करा वो सही नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, तो उसके बाद उन्होंने इस तरह से देखा मुझे और उसके बाद हमने आपस में कभी भी बात नहीं की इस बारे में। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। मीन वाइल मीन्स इस दौरान, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन कि इस दौरान ये सब सोचते हुए मैं स्टेशन पर पहुंच गई विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, कि रास्ते में जो भी चीजें मिली उन पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं ये सोचते हुए स्टेशन पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिडंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, कि मैं अपने जाने पहचाने शहर जहाँ वो पहले रहती थी वहाँ पर युद्ध के बाद फर्स्ट टाइम आई थी, लेकिन वो कहीं और नहीं जाना चाहती थी, अगर वो जरूरी नहीं समझती थी कहीं और जाना, मतलब उसे उस जगह पर घूमना नहीं चाहती थी। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम, कि मैं अब आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी उन्हीं रास्तों पर दोबारा जाके उस घर पे जाके, और अब जो जिसमें उनका कीमती यादें थी, कीमती टाइम जो उन्होंने वहाँ पर बिताया था उस टाइम को याद करके अपने आप को वो दुखी नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन, कि जब राइटर ट्रेन में बैठ गई अपने घर जाने के लिए,
Back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. कि जब राइटर ट्रेन में बैठ गई घर जाने के लिए तो दोबारा से वो अपनी यादों में खो गई। एक बार दोबारा मिसेस डॉर्लिंग का फेस उसके सामने आ गया। आई मेट हर द फर्स्ट टाइम आई मेट हर कि जब वो फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग से मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे जब मेरी माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था कि इस तरह से वो आती हैं और सामान को ले जाती हैं। तो उसके बाद की अगली सुबह की बात है, अगली मॉर्निंग की बात है। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स कि मैं ले थोड़ा लेट उठी थी, देर से उठी थी और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, मतलब अपने रूम से नीचे की तरफ आ रही थी। आई सॉ My mother about to see someone out. Someone out means क्योंकि कोई बाहर जा रहा था, कि मेरी मदर किसी को see off कर रही थी, किसी को bye bye कर रही थी, जो कि घर से बाहर जा रहा था। A woman with a broad back कि वो एक लेडी थी। ब्रॉड बैक मीन्स वो काफी हेल्दी सी एक लेडी थी। There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. तो मेरी मदर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि यह मेरी बेटी है। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। तो जो अपने यहाँ जो कोट रैक होती है, हैंगर होता है जहां पर अपने कोट्स को, अपनी ड्रेस को टांगते हैं, तो उस कोट रैक के नीचे एक सूटकेस रखा हुआ था। तो द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। तो उस लेडी ने उस सूटकेस को उठा लिया और जाने लगी। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट। तो वो जो लेडी थी वो ब्राउन कलर का कोट पहने हुए थी और एक हैट लगाए हुए थी। डस सी लिव फार अवे, क्या ये बहुत दूर रहती है? आई आस्क सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। वो जो बॉक्स को, सूटकेस को लेके जा रही थी वो बहुत भारी था, जिसे ले जाने में उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी मिसेस डॉर्लिंग को। तो उनको डिफिकल्टी से ले जाते हुए, जाते हुए, देखते हुए मैंने अपनी मदर से पूछा क्या ये बहुत दूर रहती हैं? इन मार्कोनी स्ट्रीट, कि ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, सेड माय मदर, मेरी मदर ने बताया। नंबर 46 कि मार्कोनी स्ट्रीट में, हाउस नंबर 46 में ये रहती हैं। रिमेम्बर दैट, कि इस एड्रेस को याद रखना। आई हैड रिमेम्बर इट, मैंने इस एड्रेस को याद रखा क्योंकि मेरी मदर ने बोला था कि यहाँ पर तुम्हें सारे सामान मिल जाएंगे। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर इनी बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम, बट मैंने काफी टाइम इंतजार किया वहां जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट। तो राइटर बोलती हैं कि मैंने काफ़ी टाइम तक वहाँ पर मैं नहीं गई क्योंकि शुरू में लिबरेशन मीन्स जो आज़ादी की जो लड़ाई वहाँ पर जो चल रही थी हॉलैंड में, तो शुरू में तो कि उस युद्ध के बाद उस लड़ाई के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। मेरा शुरू शुरू में तो मेरा कुछ इंटरेस्टेड ही नहीं था कि उन सामानों को लाने में, और नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ, और जैसे कि मैं बहुत ही डर गई थी उस लड़ाई के बाद, उस युद्ध के बाद मैं वहां पर जाना ही नहीं चाहती थी शुरू में। इस वीडियो में अभी इतना ही, और ऐसे ही अदर एजुकेशनल वीडियो के लिए इस चैनल डायनामिक बीज को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।